फाइनली दोस्तों हम लोग तैयार होकर निकल गए हैं, निकल चुके हैं परमार्थ निकेतन की ओर चल रहे हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। हम और हैप्पी शुक्ला जी हैं अपने, चलते हैं और साथी लोग आ जाएं, थोड़े ही रोड में खड़े रहेंगे और हो तो लेट रहा है लेकिन वहाँ स्टार्ट हो जाती है थोड़ा समय से। ये परमार्थ निकेतन के लिए जाती है रास्ता, उसी में हम लोग चल रहे हैं। और वो हाल तो नहीं है, ये देख सकते हैं दोस्तों इसी थाने के सामने, इसी थाने में कहते हैं एक शूटिंग हुई पिक्चर की। तो वो बोला आ रहे हैं, सुनो तो वो बोला कि आ रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये राम झूला, अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं गंगा में। फाइनली दोस्तों राम झूले के पास आ गया हूँ, ऋषिकेश केस में सब कोई पता ही होगा, भीड़ यहाँ भी काफी है। यहाँ भी इस समय लक्ष्मण झूला बंद है, पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ से भीड़ स्टार्ट हो गई। परमार्थ निकेतन वाला एरिया शायद बगल में, ये यहाँ शायद यहाँ भी इतनी भीड़ है, इस समय आने लायक नहीं है घूमने, देख सकते। अब ऐसे लग रहा है कि लगता है कि आरती समाप्त हो गई है, भी भाई लग रहा है तभी इतनी भी वापस आ रही। थोड़े मार्केट घूमेंगे आप लोग दिखाएंगे परमार्थ निकेतन का जो हो सकेगा, तो भले आरती समाप्त हो गई होगी शायद ना भी हुई। यहाँ का जो मार्केट है ना दोस्तों बहुत शानदार रहता है, छोटी छोटी गलियाँ और दोनों साइड से शॉप और ट्रेडिशनल चीज़ ही मिलती हैं। ट्रेडिशनल मिलेगी या तो पूजा पाठ संबंध, हम लोगों को याद आ रहा है कि गीता प्रेस भी है। ये पूरा गंगा जी का तट है, चारों तरफ यही गंगा आरती होती है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इन समय इतना भीड़ है वीडियो बनाना असंभव है, शाम टाइम अच्छा भीड़ भाड़ रहती है, सोचो दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। दूसरा दोस्तों मैं व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहना हूँ, उसमें चलना और अपने आप को बचा के चलना बड़ी दिक्कत। लोग यहाँ खाते पीते रहते हैं, चावल दाल तक लोग खा रहे हैं खुरिया में लेके, अपने आप को बचा के चलना लग रहा है शायद। हो सकता है मिल जाए, लेकिन इस बार इतनी भीड़ है, हम लोग जो पिछली बार आए थे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती दोस्त, तो ये थोड़ा साइड हुई। ये देख सकते लोग इतना खाने में उत्साहित हैं कि लग रहा है ऊपर गिरा देंगे किसी। बड़ा फेमस आइटम है यहाँ, आते हैं लोग। ये तो प्रेस गोरखनाथ है, यहाँ मेन मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो मार्केट दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गंगा के तट पर किनारे दोनों साइड से दुकानें कानों संबंधी पूरा मार्केट। ये देख सकते हैं यहाँ का मार, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आप लोग बता दो, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोगों के सामने वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत जाती है, सोचते होंगे ये क्या कर रहे हैं लोग। रास्ते में दोस्तों लोग बाइक स्कूटी भी निकालते हैं,
फाइनली परमार्थ निकेतन के पास पहुंच गया हूं, तो भीड़ देख लग रहा है कि आरती कहीं समाप्त न हो गई। बहुत भीड़ है भैया, क्या इतनी भीड़ है भैया, क्या होता है, जा पाना मुश्किल ही नामुमकिन। इस समय इतनी ज्यादा भीड़ है दोस्तों कि आने लायक नहीं है कहीं। इधर ऋषिकेश में भी फाइनली दोस्तों भी देख सकते हैं, आरती तो नहीं दिखा पाया आप लोगों, काफी इतनी भीड़ रहती है कि आना जाना ये इधर करते हैं। ये देख यही है परमार्थ निकेतन गंगा दशहरा क्या शुक्र, ये सब लोग पूजा कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर क्या बात, ये कुंड है, गर्मी में पसीना पसीना हो गया वीडियो बनाने। मेन इसी केस में दोस्तों यही है, ये सामने इधर करके जो शंकर जी की तरफ गंगा आरती होती है, ये कुंड है, लेकिन बहुत अच्छी होती है, यहाँ बहुत लोग टीम रहती है, 20-25-30 लोगों। तब तक दोस्तों एक आध फोटो खिंचवा लूँ। तो फाइनली दोस्तों देख चुके हैं परमार्थ निकेतन ये लिखा हुआ, और ये अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ आते हैं। इस समय तो पूरे इंडिया के लोग यहाँ आए हुए, भारी भीड़ रहती है। ये श्री राम कथा भी चालू है, चालू है यहाँ 15 मई 17 जून 9:30-10 बजे का। हम लोग थोड़ा आने में लेट जरूर हो गए, फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आरती यहाँ समाप्त होने के बाद भी लोग बारह लगातार बैठे हुए, यहाँ बैठने में बड़ा सुकून मिलता है। और आरती जब आप देखेंगे गंगा आरती, तो ये लगता है फिर इस दुनिया में कुछ है ही, बस। और उसका वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया था अपलोड, लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। नहीं बेटा रहने, इतनी ज्यादा गर्मी थी, गर्मी वाले हालत खराब हो गई। ये पूरा उसी क्षेत्र, ये मार्केट टोपी वाला रेस्टोरेंट देखते हैं, फोन कर आ गए। फाइनली दोस्तों चल रहा हूँ यहाँ, दोस्तों मिल गया गीता भवन, दिखाता हूँ आप लोगों को अंदर ऋषि के। लेकिन इसमें कपड़े हैं दोस्त, कपड़ा वाला। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो अभी यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ कल एक न्यू वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय। छोटी वाले बाबा छूटी बहुत ही फेमस हैं, छूटी वाले बाबा, इनकी
एक दिन में 200-300 फोटो खिंचती होगी, पर अपन लोग नहीं खिंचाएंगे। इनके बगल में भी एक बाबा जी बैठे, इनसे भी नहीं खिंचाएंगे। यहाँ खाने कैसा हो देख ली दोस्त, भोजन हो चुका।